नमस्कार, स्पोर्ट्स तक के सभी व्यूअर्स को वेलकम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही है और आप जानते हैं कि जब से आईपीएल का आगाज हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी नोक झोंक तो चलती रहती है लेकिन दोस्त भी बन गए हैं। लेकिन एक वक्त था जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जानी दुश्मन हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब आईपीएल का आगाज नहीं हुआ था और ये वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर एक टीम हुआ करती थी, उसके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। लेकिन ये वो भी वक्त था जब भारत की टीम किसी से कम नहीं है। ये वो वक्त था जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान जैसे खिलाड़ी भारत की तरफ से खेलते थे और लोहा लेते थे ऑस्ट्रेलिया। तब तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर कई बार टेस्ट मैचों में हराया। लेकिन आज मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ 2007-2008 की वो सीरीज जिसे मंकी गेट के तौर पर याद किया जाता है। वो दौरा मैंने आज तक न्यूज़ चैनल के लिए किया था और उससे पहले हम कहानियाँ सुना करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में जाना बड़ा मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग और ऑस्ट्रेलिया का के खिलाड़ी भारत के खिलाड़ियों के लिए जीना बड़ा मुश्किल करते थे। और इसका तजुर्बा मुझे तब हुआ जब वहाँ पहुँचते ही अनिल कुंबले, जो कि भारत के कप्तान थे, एयरपोर्ट पर उनसे सवाल ये पूछा गया कि भाई आपके खिलाड़ी तो शॉर्ट पिच गेंदों से डरते हैं, तो आप शॉर्ट पिच गेंदों से डरने के बाद रन कैसे बनाएंगे? अनिल कुंबले ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही टीम होटल में पहुंची तो एक और ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उन्होंने भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा भारत के खिलाड़ी तो डरते हैं। और याद कीजिए, उससे पहले 2003-2004 दौरे पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज बराबर की थी, बल्कि जीतते जीतते रह गया। भारत के खिलाड़ियों को बड़ा गुस्सा था और भारत जानता था कि रिकी पॉन्टिंग की टीम गुरूर में थी और एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं है, पीटर रॉबक, उन्होंने कहा था रिकी पॉन्टिंग्स टीम वॉज लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। इस लिहाज से पहला टेस्ट मैच था मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। भारत उस टेस्ट मैच में बुरी तरह से हारा। उस टेस्ट मैच में सौरभ गांगुली ने थोड़े बहुत रन बनाए और तेंदुलकर ने शानदार बैटिंग की, लेकिन भारत की हार। जहीर खान की गेंदबाजी अच्छी थी लेकिन उसके बाद पता चला कि जहीर खान दौरे से बाहर हो गए हैं, जहीर खान को चोट लग गई। उसके बाद भारत की टीम और हल्की हो गई। न्यू ईयर टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत पहुंचा सिडनी। सिडनी वैसे भारत के लिए बड़ा यादगार शहर है क्योंकि वहां पर भारतीय समुदाय के लोग बहुत रहते हैं। उसके बाद सिडनी टेस्ट मैच में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, मैच की सुबह ऑस्ट्रेलिया का कलैप्स हो गया। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरती रही, लेकिन एक अंपायर हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के, स्टीव बकनर। और इंसिडेंटली स्टीव बकनर ने इस टेस्ट मैच के बाद अंपायरिंग की, क्योंकि स्टीव बकनर को भारतीय खिलाड़ियों से शायद खुंदक थी और बड़े बायस थे। उसका नतीजा ये था कि कई बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पहले रन आउट हुए, उन्होंने आउट नहीं किया। करते कराते ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बना लिए कि वो सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गया। उसके बाद भारत ने बैटिंग करना शुरू किया। लक्ष्मण ने 100 बनाया, सचिन तेंदुलकर ने लंबा 100 बनाया और भारत ने शानदार बैटिंग। उसके बाद टेस्ट मैच आगे बढ़ता था। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों टीमों के बीच नोकझोंक शुरू हुई और नोकझोंक ऐसी हुई जिसका अंदाज़ा तब तक सिर्फ और सिर्फ हमें टीवी पर दिख रहा था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का चैनल 9 जो वही सिग्नल दिखाता था जो भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर आते थे, वो भी बहुत बायस था, क्योंकि आपको याद होगा कि उस मैच में कई ऐसे डिसीजंस थे जो भारत के खिलाफ गए। उसका रीप्ले भारत में दिखता था लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चैनल 9 वो रीप्ले नहीं दिखाता था। हम लोग वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि हमें पता नहीं चला कि ये खिलाड़ी आउट था कि नहीं आउट था, हमें भारत से पता चलता जब लोग रीप्ले देखते। खैर, मैच की चौथी शाम मुझे याद है, तब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी दूसरी पारी में कर रहा था और दोनों टीमों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा था, रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके थे। लेकिन टीमें हम सबसे बेहतर जानती थी क्योंकि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई पहुंच चुकी थी, आग लग चुकी थी। चौथी शाम मुझे याद है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के जो विमेंस स्टैंड है वहाँ पर बैठकर मैं आज तक अपनी फीड भेज रहा था, मतलब अपनी कहानी भेज रहा था, और मेरे फ़ोन पर एक SMS आया। मैंने SMS को पढ़ा। टीम के मीडिया मैनेजर थे डॉक्टर MV श्रीधर, उनका SMS था। उन्होंने सारे पत्रकारों को भेजा और उसमें ये लिखा था कि हरभजन सिंह को मैच रेफरी ने कॉल किया है। और जब मैंने लेवल पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो हम देख रहे थे कि नोक झोंक चल रही है, हरभजन सिंह ने शायद अंपायर से बहस की, शायद ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों से कहा सुनी चल रही थी। लेकिन जब मैंने लेवल देखा, चूँकि वो लेवल हाइएस्ट था, तो मेरे
सीधे मन में ये बात गई और मैंने अपने साथी कैमरामैन अशोक भनोट को कहा कि ये कहीं ना कहीं रेसिज्म से जुड़ा हुआ है। वाकई हरभजन सिंह को रेसिस्ट कमेंट करने के लिए कॉल किया गया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सोचकर कि ये चौथी शाम है और मैच यानी कि पांचवें दिन मैच खत्म होने के बाद माइक प्रॉक्टर मैच रेफरी के साथ ये हियरिंग हो। रेसिज्म बहुत बड़ी बात है किसी भी स्पोर्ट में, और रेसिज्म का मतलब साफ साफ कि अगर हरभजन सिंह गिल्टी हुए तो उन पर बैन लगेगा। खैर हमने पता किया, मैंने हरभजन सिंह से भी बात की, तब टीम सिडनी ओपरा हाउस के पास रेडिसन होटल में ठहरी हुई थी और मैं वहाँ पर गया, मेरी हरभजन से भी बात हुई। हरभजन वो शेकल, तब वो थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि रेसिज्म के आरोप उन पर लगे थे। टीम के मैनेजर थे चेतन चौहान और चेतन चौहान टीम के कप्तान अनिल कुंबले और मीडिया मैनेजर एम वी श्रीधर ने इस टीम को बड़ा अच्छा वहाँ से हैंडल किया। खैर मैच का आखिरी दिन, और मैच के आखिरी दिन दो लड़ाई हैं, एक भारत को उस टेस्ट मैच को बचाना है और दूसरा टेस्ट मैच के बाद हरभजन सिंह की हियर। लेकिन मैच के आखिरी दिन कई बेईमानी के फैसले अंपायर स्टीव बकनर की तरफ से हुए, कई बेईमानी के फैसले इसलिए भी हुए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने भी बेईमानी की। आपको याद होगा सौरव गांगुली का वो कैच जो स्लिप पर से नीचे से ज़मीन पर लगने के बाद शायद माइकल क्लार्क ने उठाया था और रिकी पोंटिंग ने अंपायर को कहा था आउट। ये वो ज़माना है जब फील्डर के कहने पर अंपायर आउट दे सकता, अंपायर ने आउट दिया, अंपायर ने उसे रेफर नहीं किया, सौरव गांगुली खड़े रहे। भारत में रीप्ले दिखा स्टार स्पोर्ट्स पर और साफ तौर पर मैदान से उठाया हुआ कैच था, लेकिन चैनल 9 ने ऑस्ट्रेलिया में उसका उस एंगल से रीप्ले ही नहीं दिखा। सौरव गांगुली आउट हुए, उसके बाद मुझे याद है राहुल द्रविड़ का बैट पीछे था, एंड्रू साइमंड्स बॉल कर रहे थे, उनके पैड पर लगकर गेंद गई कॉट बिहाइंड। गिलक्रिस्ट जो कि बड़े ईमानदार क्रिकेटर अपने आप को बनते हैं, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट किया। फिर भी भारत लड़ता रहा। वहाँ पर 6 बजे ऑस्ट्रेलियन वक्त अनुसार आखिरी बॉल गिरती है और 6:06 रह गए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर और हो सकते थे और भारत की 7 विकेटें गिरी थी, यानी कि 3 विकेटें और हैं और भारत एक ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में रिकी पोंटिंग ने रिस्क लिया, उन्होंने गेंद माइकल क्लार्क की तरफ फेंकी, माइकल क्लार्क ने आकर उस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं 3 विकेट ले ली। सिर्फ 2 मिनट बच गए थे उस टेस्ट मैच को बचाने के लिए, लेकिन भारत उस टेस्ट मैच को हार गया। बड़ा तनाव था और यहाँ से कहानी अभी शुरू हुई। भारत उस टेस्ट मैच को हार कर 2-0 से पीछे हो चुका था, अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है। लेकिन मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर के साथ अभी हियरिंग हुई, उससे पहले क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें पहले आए भारत के कप्तान अनिल कुंबले, चेतन चौहान मैनेजर उनके साथ बैठे, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी इस बात को समझ गया था कि भारत के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो जानते थे कि मंकी गेट हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच जो हुआ वो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, लेकिन उससे बड़ी खबर ये थी कि भारत के साथ बेईमानी हुई। दरअसल हरभजन सिंह पर आरोप ये था कि उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को मंकी का बंदर मंकी का, और ये दोनों टीमों के बीच अग्रीमेंट था कि मंकी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि जिस ओरिजिन से एंड्रू साइमंड्स आते हैं वहाँ पर मंकी को रेसिज्म के तौर पर गिना जाता था। हरभजन सिंह कहते हैं कि मैंने मंकी नहीं कहा, उनके साथ तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, वो कहते थे पहले कि मैंने कुछ सुना नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे खिलाड़ी थे जैसे मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ये कहते रहे कि हरभजन सिंह ने मंकी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है और भारत की तरफ से हरभजन और सचिन तेंदुलकर यही कहते रहे कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनिल कुंबले आए और अनिल कुंबले से आकर पूछा गया इस टेस्ट मैच के बारे में कि किस तरह से भारत के खिलाफ कई फैसले गए। अनिल कुंबले ने तब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो 1932 की बॉडीलाइन सीरीज में ऑस्ट्रेलियन कप्तान बिल वुडफुल ने किया। अनिल कुंबले ने कहा कि there were 2 teams out there playing this test match, only 1 played with the spirit of the game. यानी कि भारत था जो स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ खेला, ऑस्ट्रेलिया ने पाई माना। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुल्तालियाँ बजी, उसके बाद आए रिकी पोंटिंग और एक भारतीय पत्रकार ने रिकी पोंटिंग को कहा, क्योंकि देखिए मीडिया में भी तब बहुत गुस्सा था जिस तरह से भारत के साथ बेईमानी हो रही थी और जो हरभजन सिंह के खिलाफ जो चार्जेस भी लगे थे। रिकी पोंटिंग उस वक्त ये रिकी पोंटिंग नहीं थे जो आज आप इनको IPL में देखते हैं, जो कोचिंग करते हैं या खेलते हैं और भारतीय चैनल्स पर आकर देखते हैं। रिकी पोंटिंग उस वक्त गुरूर पर सवार। रिकी पोंटिंग से पूछा गया कि अनिल कुंबले ये कहकर गए हैं कि दोनों में से एक टीम स्पिरिट ऑफ द गेम में खेल रही थी और वो टीम तो भारत थी,
रिकी पॉन्टिंग के चेहरे पर लाल आंखें लाल, उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है, क्या हमने बेईमानी की? एक पत्रकार ने कह दिया हाँ जी, बस ये है कि जो मूर्ति नहीं हुई। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और शायद 7:30 बजे के करीब या 7:45 बजे के करीब ये हियरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें माइक प्रॉक्टर दोनों अंपायर भारत की तरफ से उस हियरिंग में सचिन तेंदुलकर थे, अनिल कुंबले कप्तान थे, हरभजन सिंह थे, चेतन चौहान मैनेजर थे और डॉक्टर एम बी श्रीधर जो कि मीडिया मैनेजर, ये 5 लोग। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाहिर तौर पर एंड्रू साइमंड्स थे, उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग थे, गिलक्रिस्ट, ब्रेटली, मैथ्यू हेडल, शायद एक आधा और खिलाड़ी थे। बहस चली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तकरीबन 11 बज गए रात के और अभी पता नहीं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। चूंकि हम मैदान पर ही खड़े थे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के आसपास कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपको कुछ खाने या पीने के लिए मिले, और बड़ा तनाव। भारत में तब अभी शाम ही हुई, खैर ये 11 के 12 बजे रात के, 1 बज गया रात का, 2 बज गए रात के, यानी कि हियरिंग तकरीबन 5-6 घंटे चलने के बाद हमें पता चला कि ICC ने हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया है, यानी कि वो रेसिज्म, नस्ल भेदी टिप्पणी के आरोपी, सनसनी फैल। भारत में उसका रिएक्शन बहुत गंदा था, क्योंकि BCCI के अध्यक्ष तब शरद पवार थे और कुछ एक घंटों में भारत ने ये साफ कर दिया कि अगर हरभजन सिंह के खिलाफ ये चार्जेस और ये बैन नहीं हटाया जाएगा तो हम विश्व क्रिकेट, एक तो हम ये सीरीज खेलना छोड़ देंगे, हम अपनी टीम को वापस बुला लेंगे और विश्व क्रिकेट को तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड डरा, लेकिन उस वक्त उनके खिलाड़ी जो थे वो बोर्ड पर हार गए। खिलाड़ियों ने कहा नहीं, हम अपनी चार्जेस वापस नहीं लेंगे। तनाव इतना ज़्यादा हो गया, मुझे याद है कि सुबह 3 बजे जब मैदान से हरभजन और बाकी जो हियरिंग में थे वो कार में बैठकर आए तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूरा कैमरा लेकर उनके पीछे पीछे। सुबह सुबह की बात है कि 4 बजे हम होटल पहुंचे, हरभजन सिंह अपने कमरे में जा चुके थे और चेतन चौहान मैनेजर ने एक स्टेटमेंट दिया, अनिल कुंबले ने भी स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि BCCI इंडिया से क्या रिएक्ट करता। BCCI ने ये साफ कर दिया था कि हमें ये मान्य नहीं। अगले दिन मतलब अगली सुबह तकरीबन 10:30 बजे टीम को अगला टेस्ट मैच से पहले एक 3 दिन का मैच खेला जाना था, उसके लिए जाना था, सिडनी से जाना था कैनबरा बाय रोड। खैर हम लोग 5-6 बजे सोए क्योंकि हम जानते थे कि ये बहुत बड़ी खबर हो गई है। मैंने चेतन चौहान जी को जो मैनेजर थे उनको फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि चेतन जी क्या हुआ, आप सिडनी कितने बजे निकल रहे हैं? चेतन चौहान जी ने जो मुझे बताया वो सनसनी केस था। उन्होंने कहा भारत की टीम बस से उतर गई, अब असली कहानी जो इस विवाद की मल्टी गेट की यहाँ से शुरू होगी। बैन लग चुका है हरभजन सिंह पर, अब भारत की टीम बस में बैठने के बाद बस से उतर गई सिडनी रेडिसन होटल में। किसी को समझ नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया वहाँ वो विजुअल्स ले रहे थे, उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। भारत के सीनियर खिलाड़ी सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, ये 5 खिलाड़ी, इन्होंने तय किया होटल की लॉबी में बस पर चढ़ने से 2 मिनट पहले कि हमें ये फैसला नहीं मंजूर, हम हरभजन सिंह के साथ हैं, अब भारत इस दौरे को बॉयकॉट करेगा, यानी कि इस दौरे से वापस जाएगा। भारत के खिलाड़ी ने मना कर दिया, हम नहीं जाते कैनबरा। सनसनी खेज, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई, ICC तक खेल गया। भारत के खिलाड़ियों ने अपना अपना सामान उतारा और उसी होटल के अपने अपने कमरे में दोबारा चले। दिन से दोपहर, दोपहर से शाम, यहाँ से भारत के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शरद पवार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि अगर ICC इस फैसले को पलटेगा नहीं तो भारत इस दौरे को बीच में छोड़ देगा। और आप जानते हैं कि उस वक्त भारत अगर ऑस्ट्रेलिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उस दौरे के मायने क्या थे, क्योंकि भारत की टीम का आने का मतलब है कि लाखों करोड़ रुपये जो है आपको राइट्स के जरिए आते हैं, उसके बाद वनडे सीरीज भी होने बाकी। खैर शाम हो गई और ये साफ कर दिया वहाँ से कप्तान अनिल कुंबले ने और चेतन चौहान मैनेजर ने कि अब हम इस दौरे को कंटिन्यू नहीं करेंगे। रात हो गई, अगले दिन भी वही सब चलता रहा, अगले दिन फिर भारत ने कैनबरा जाने से मना कर दिया। अभी भी साफ हो गया कि अब ये दौरा कैंसिल हो जाएगा। इस दौरान हरभजन सिंह अपने रूम से अगर लॉबी तक आते थे तो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया इंतज़ार करता था भीड़िया की तरह। हरभजन सिंह यहाँ खड़े, उनके पीछे रहते। उसके बाद ICC ने दबाव में आकर ये कहा कि भारत के पास राइट टू अपील है, आप अपील कर दीजिए इस वर्डिक्ट के खिलाफ। भारत ने अपील कर दिया,
वर्डिट के खिलाफ। और फिर ये तय हुआ कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बाद हियरिंग होगी, जस्टिस हेंसन को अपॉइंट किया गया और ये हियरिंग होगी एडिलेड। उसके बाद टीम कैनबरा जाने के लिए मान टीम कैनबरा गई, वहाँ पर तीन दिन का मैच हुआ और हरभजन सिंह के पीछे लोग जो है वो पड़ गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्राउड जो है वो अपने खिलाड़ी को बैक करता है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भारतीय फैंस को भी नहीं। पीटर रॉबॉक ने पूरे पेज का एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को गालियां दी, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि रिकी पॉन्टिंग ने जीत के लिए गलत ट्रेंड सेट किया है, वो बेईमान टीम के बेईमान करता है। और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है उनका पब्लिक सेंटिमेंट बदल गया, इतना बदल गया कि रिकी पॉन्टिंग को उसी दिन अपने टेलीफोन, अपने घर के और अपने मोबाइल नंबर को बदलना पड़ा, क्योंकि उनको हेट कॉल्स आने शुरू हो गए और ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी ही टीम के खिलाफ। कैनबरा से भारत पहुंचा पर्थ, जी हाँ वही पर्थ जिस टेस्ट मैच को भारत ने जीता दबाव में। हरभजन सिंह उस टेस्ट मैच में नहीं खेले, सहवाग ने वापसी की। भारत ने पर्थ में जाकर जो कि तूफानी विकेट थी पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। अब सीरीज जो है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे है, आखिरी टेस्ट मैच एडिलेड, अभी तक भूचाल आना बाकी। एडिलेड टेस्ट मैच में सहवाग ने 150 बनाए, सचिन ने भी 100 बनाया और एक वक्त यह था कि शायद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन अंत में वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। टेस्ट मैच के चौथे दिन मैंने चेतन चौहान जी को फोन किया, मैंने कहा सर अपडेट क्या है? चेतन जी ने कहा कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो क्या है तूफान? वो मुझे मिलने आए, और एडिलेड वैसे भी आप जानते हैं कि सर डॉन ब्रैडमैन का घरेलू मैदान है। चेतन जी मुझे मिलने आए, चेतन जी ने कहा कि वनडे की टीम जो थी वो स्पेशलिस्ट थे जो थे लड़के, वो पहुंच चुके थे मेलबर्न, क्योंकि भारत का पहला मैच T20 मेलबर्न में था, उसके बाद वनडे सीरीज हुई। और टेस्ट टीम जो है जो स्पेशलिस्ट थे जैसे द्रविड़ हुए, सौरव गांगुली हुए, लक्ष्मण हुए, इनको भारत वापस आना था, क्योंकि आपने धोनी मूवी में भी देखा होगा उसी दौरान पर्थ में ही धोनी ने यह फैसला किया कि इस टीम में वनडे टीम में मुझे द्रविड़ और सौरव गांगुली नहीं चाहिए। तो चेतन जी ने कहा कि वनडे की टीम तो हमारी मेलबर्न पहुंच चुकी है, लेकिन हम एक चार्टर्ड फ्लाइट एडिलेड में परसों के लिए तैयार करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भाई टीम ने कह दिया है कि अगर ये फैसला हमारे खिलाफ जाता है, जो अपील थी हरभजन सिंह पर से पैन नहीं हटाया जाएगा, तो हम वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। देखते देखते जो वनडे टीम थी मेलबर्न से फ्लाइट लेकर एडिलेड आ गए और उनको भी टीम होटल में रखा गया। एक चार्टर्ड फ्लाइट तैयार की गई एडिलेड एयरपोर्ट पर, अगर मैच के अगले दिन जो हियरिंग होनी थी उसमें फैसला नहीं पलटा जाएगा तो हम फ्लाइट लेकर भारत वापस आ जाएंगे, यानी कि वनडे सीरीज कैच करेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हिल गया, वो जानते थे कि वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। तो आईपीएल अनाउंस हो चुका था, हालांकि अभी ऑक्शन नहीं हुई थी कि कौन सा खिलाड़ी किस कीमत पर किस टीम के पास जाए। उसके बाद प्रेशर इतना बढ़ गया, भारत ने IAS बिंद्रा जो कि सीनियर BCCI ऑफिशियल थे उनको भेजा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनकी पूरी रात मीटिंग हुई। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ टेस्ट मैच जब खत्म हो गया पांचवा दिन, और उससे अगले दिन हियरिंग होनी है, तो पांचवें दिन शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक 12 घंटे की मैराथन मीटिंग। IAS बिंद्रा ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को साफ कर दिया कि अगर आपके खिलाड़ी विड्रॉ नहीं करेंगे ये चार्जेस, तो फिर हम वापस चले जाएंगे, उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया कभी क्रिकेट खेलेगा नहीं। ICC भी दबाव में, क्योंकि ICC जानता था कि अगर भारत नाराज हो गया तो भारत विश्व क्रिकेट को खोल देगा, तोड़ देगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को बुलाया, रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, ब्रेटली, मैथ्यू हेडन, एंड्रू सैमंड्स, कि भाई प्लीज़ विड्रॉ करो। खिलाड़ियों ने कहा विड्रॉ तो हम नहीं करेंगे, हरभजन सिंह पर बैन रहेगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अपने बोर्ड के खिलाफ हो गई, बोर्ड जो था वो असहाय, बोर्ड कुछ कर नहीं पाया। हियरिंग होनी थी एडिलेड के कोर्ट में, और मुझे याद है कि हम सुबह सुबह स्कूल के बाहर पहुंच गए, शीशे की एक बिल्डिंग थी और पांचवीं मंजिल पर शायद ये हियरिंग होनी थी। हियरिंग में तेंदुलकर थे, हियरिंग में हरभजन सिंह थे, चेतन चौहान, अनिल कुंबले और MB श्रीधर, और उधर से ऑस्ट्रेलिया से भी 5-6 लोग थे। हियरिंग चलती रही, हरभजन सिंह पर जस्टिस हेंसन ने बैन हटा दिया। शाम होते होते जब ये अनाउंसमेंट हुई कि बैन हटा दिया गया है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ICC पर भी प्रेशर था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों पर दबाव बनाया हुआ था, और लीगली चूँकि ये प्रूफ नहीं हो पाया कि हरभजन सिंह ने मंकी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया या नहीं किया, तो फिर जस्टिस हेंसन जो है वो लीगली चले, वो कानून के तौर पर चले, और कानून के तौर पर उनको पता चला कि नहीं।
जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि चैनल 9 के पास जो स्टंप माइक भी था उसमें भी मंकी लव्स नहीं हुआ, बल्कि बड़ी फनी बात है कि व्हाट्सएप पर एक जोक चला मंकी, और हिंदी में या पंजाबी में एक गाली होती है, वो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, कि हरभजन ने तो वो बोला। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर ने उस मीटिंग में जस्टिस हैंसन को भी यही बोला कि शायद एक पंजाबी गाली का इस्तेमाल किया था हरभजन ने, मंकी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। हरभजन पर से बैन हट गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि जब कोर्ट की 5वीं मंजिल से नीचे आने का वक्त था और एक ही लिफ्ट, एक ही एलिवेटर, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी 5 इधर, जो भारत के 3-4 लोग थे वो इधर खड़े हैं, आपस में बातचीत नहीं थी। तेंदुलकर की तो वैसे बहुत इज्जत थी ऑस्ट्रेलिया में उससे पहले तक। ऑस्ट्रेलियन के खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ कई बातें की, लिफ्ट का इंतज़ार करते थे, सचिन भी चुप रहे, सचिन चुप रहे। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने यहाँ तक बोल दिया कि नकली टीम है, प्रेशर डाल डाल के ये एक टेस्ट मैच जीत गए, अब हम इनको वनडे सीरीज में बुरी तरह से धोएंगे। खैर बैन हट गया, हालांकि हरभजन सिंह एक तरह से माइक्रोस्कोप के अंडर आ गए, लेकिन हुआ ये कि एंड्रू साइमंड्स का अपने क्रिकेट बोर्ड से रिश्ता भी खराब होता है। अंत में उनके बोर्ड और एंड्रू साइमंड्स के बीच रिश्ते इतने ख़राब होते रहे कि उसके कई साल बाद एंड्रू साइमंड्स को क्रिकेट छोड़नी पड़ी। वनडे सीरीज में क्या हुआ आपको वो भी याद, भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया, बल्कि उससे पहले भी रिकी पॉन्टिंग ने फाइनल से पहले कह दिया था, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स होते हैं, कि तीसरे फाइनल की जरूरत नहीं पड़ी, ऑस्ट्रेलिया आराम से पहले दोनों मैचों में जीत जाएगा और भारत घर वापस जाएगा। वाकई में तीसरे फाइनल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोनों फाइनल में। लेकिन मजे की बात देखिए, उसके कुछ महीने बाद आईपीएल होता है, पहला आईपीएल 2008 का, जिसमें सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, आइकॉन प्लेयर भी थे, हरभजन सिंह भी मुंबई इंडियंस में थे, और उस दौरान एंड्रू साइमंड्स भी उसी टीम से खेले, बाद में तो रिकी पॉन्टिंग भी मुंबई इंडियंस से खेले, और उसके बाद हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो। साइमंड्स भी जानते थे अब आईपीएल के बाद भारतीय पैसा कितना है। सनसनी खेज कहानी थी, बातों में शायद उतनी डरावनी नहीं लगती जितनी उस वक्त थी, क्योंकि उस वक्त का तनाव मैंने झेला था, उस वक्त का तनाव हरभजन सिंह और भारत के खिलाड़ियों ने भी झेला। इसी तरह और विवाद और किससे लेकर आएंगे फिर किसी और।